विधानसभा चुनाव में लखनऊ में चौथे चरण में मतदान होना है, ऐसे में हमारे पास कांग्रेस के लखनऊ पूर्वी से प्रत्याशी मनोज तिवारी जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्वी से आशुतोष टंडन जी विधायक हैं, वर्तमान में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या लग रहा है कितना मजबूत प्रदर्शन कर पाएंगे, क्या चुनौतियाँ होंगी? कोई चुनौतियाँ नहीं है, अब ये तो जनता तय करेगी कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। और रही बात की कद्दावर नेता हैं, तो कद्दावर नेता वो जनता के जन समर्थन से नहीं हुए हैं, पार्टी में बैकग्राउंड की वजह से अपना कद्दावर नेता हुए हैं। इस चुनाव में जनता तय कर देगी कि कद्दावर नेता कौन है। सर, इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तमाम दलों के जो प्रत्याशियों के नामांकन है वो कहीं ना कहीं दाखिल हो गए हैं, किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, क्या रणनीति बनाई है? जनता के बीच में हम अपनी कांग्रेस की नीतियों को लेके जाएंगे और प्रियंका जी ने जो अपनी नीति दी है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो और चाहे किसी भी समाज के लिए हो, प्रियंका जी का एक स्पष्ट विजन है कि अगर हम आते हैं सरकार में तो हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबकी बात करेंगे, सबकी बेरोजगारी की बात करेंगे। उन्होंने युवाओं पे भी एक पत्र भी जारी किया है और प्रियंका जी के विजन एकदम स्पष्ट है और उसको जनता पसंद कर रही है। जनता इस बार कांग्रेस के साथ रहेगी, आपको कांग्रेस दिखेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। आम आदमी पार्टी भी इस बार पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, आपके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट बचाने के लिए इस बार चुनाव में प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी अपना मोफलर खोले और मोफलर बंद करे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, और रही बात आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, तो कोई भी कुछ भी कह दे, आदमी चलता रहता है मस्त होके। अब हाथी चल रहा है, पीछे से कोई भोंक रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, हाथी तो हाथी है। आम आदमी पार्टी कहीं गिनती उनती में नहीं है, ये जबरदस्ती एक चर्चा बनाया जा रहा है। और ये समाजवादी किसी पार्टी है भाई, ये समाजवादी की लाया हुआ एक वो लाया है कि कुछ वो अपने कांग्रेस और लोगों का वोट कम करे, तो आम आदमी पार्टी की कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। भाजपा भी इस बार कह रही है 300 पार, समाजवादी पार्टी कह रही 350 पार, कांग्रेस भी इस बार चुनाव में सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में अब कोई सरकार नहीं बना पाएगा, और सरकार इसलिए नहीं बना पाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को नकार चुकी है। अब जो भी सरकार बनाएगा उसमें कांग्रेस के बिना नहीं बना पाएगा। बीजेपी का तो कहना है 60 साल कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन रही है। इस बात को जनता समझ रही है, तभी इस बात को जनता समझ गई है कि किसने लूटा है और किसने अच्छा किया है, जनता समझ गई है। अब की योगी मोदी को इस चुनाव में समझ में आ जाएगा। आखिरी सवाल है आपसे, भर्ती विधान को लेकर प्रियंका गांधी जी हैं जो लगातार युवाओं से संवाद कर रही हैं, आसान शब्दों में क्या कहना चाहेंगे युवाओं से हमारे चैनल के माध्यम से? युवा इस देश की रीढ़ है, युवा ही कांग्रेस का भविष्य है। कांग्रेस ने हमेशा युवाओं पे अपने को फोकस रखा है और आप देख लीजिएगा इस चुनाव में, इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में युवाओं की 99% भागीदारी कांग्रेस के लिए रहेगी। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सामने जो चुनौती है वो आशुतोष टंडन है। इनका कहना है कि कांग्रेस जो अपनी नीतियों को लेकर लगातार जनता के बीच में जाएगी और जनता भी इस बार परिवर्तन चाह रही है, इसी क्रम में इन्होंने लोगों से अपील की है कि कांग्रेस को वोट देकर इस बार उनकी सरकार बनाने में सहयोग करें। दिनेश के साथ हूं पांडे, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।